प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे। स्टैटिक्स चैप्टर में आपके में हम स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम आपको मीन, मोड, मीडियन और मोड पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं मीन। मीन को बोलते हैं आप एवरेज। हिंदी में इसे बोलते हैं आप औसत या माध्य। इसको आप बोलते हैं औसत और मीन को आप बोलते हैं माध्य, यानी कि मीन। तो अब इसको एक सीधी सी डेफिनेशन है आपकी कि द मीन, द मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन की आपकी सेफ सीधी सी डेफिनेशन हो गई कि द मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे हम एक्स से बार से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम मीडियन। मीडियन क्या होता है? हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा मीडियन, फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड टॉपिक हमारा मीडियन, इसे हिंदी में बोलते हैं आप माध्य का। नाम से ही प्रतीत हो रहा है मीडियन, यानी कि बीच वाला। तो मीडियन अब क्या होता है? डिवाइडेड, मीडियन डिवाइडेड सेट ऑफ ऑफ इनटू टू हाफ, यानी कि किसी भी सेट को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे, ऐसा नंबर जो बराबर, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं मिडिल टर्म की जो वैल्यू होगी, मिडिल टर्म वैल्यू, वही आपकी मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन का फॉर्मूला आपका सीधा सीधा दो तरीके से हो गया। फिर एक तो होता है जब नंबर ऑड हो, इफ ऑब्जर्वेशन जो दे रखे हों आपको इज ऑड, यानी कि ठीक, तो मीडियन हमारी हो जाएगी मीडियन इज इक्वल टू ऑड एन। ऑड क्या दे रखा हो? एन, तो एन प्लस वन बाई टू, यही आपका मीडियन का आंसर हो जाएगा टर्म। लेकिन जब अगर इवन दे रखे हों तो उसके लिए आपका दूसरा फॉर्मूला लगेगा। इवन के लिए हमारा हो जाएगा इवन एंड एन की वैल्यू अगर इवन है तो हमारा मीडियन हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू वन बाई टू एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म, ये हमारी मीडियन हो जाएगी। अब मॉड, मॉड क्या होता है? हमारा थर्ड है मॉड। मॉड मॉड क्या बोलेंगे?
मॉड हमारा होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसिटी, यानी कि जिस वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसिटी की होगी हमारी, वही क्या होगी? मॉड, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू, जिसकी हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू, यानी कि कोई भी नंबर ऐसा जो हमारा सबसे ज्यादा बार आया हो उसे ही हम क्या बोलेंगे? मॉड। एक आता है हमारा रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज को हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से अगर हम छोटी वाली वैल्यू को घटा दें तो वो हमारा क्या होगा? रेंज होगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिसर, और मोड को बोलते हैं हम बहुलक। मोड को हिंदी में हम बोलते हैं बहुलक। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीन मीडियन मीडियन मोड एंड रेंज, ठीक है, फॉलोइंग डाटा। नीचे आपको कुछ डाटा दे रखा है, उसका आपको निकालना है। तो सिर्फ 12 16 12 6 18 2 4, इसका आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम मीन। तो मीन हमने बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन हमारा हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 4 बाई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 7 से कर देंगे हम इसको डिवाइड। तो चलिए प्लस कर लीजिए, कितना हो गया टोटल? 12 और 12 हो गया आपका 24, 24 और 6 30, 40, 40 और 20 आपका हो गया 60, और ये 70, यानी कि 70 बाई, तो ये आपका आ गया 10। ये तो आपका आ गया मीन, जिसे आप एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब निकालते हैं हम मीडियन। मीडियन निकालते हैं, सॉरी नंबर बिगाड़ दिया, 12 16 12 6 18 2 4। तो अब निकालते हैं हम इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा हमारा? 2 4, उसके बाद 6 12 12 16 एंड 18, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे एन इज इक्वल टू हो गया 7। तो फॉर्मूला क्या था हमारा मीडियन का? एन प्लस 1 बाई 2 टर्म। चलिए तो एन की वैल्यू 7 प्लस 1 बाई 2 टर्म, क्लियर? यहां तक हो गया। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 4 टर्म, 8 बाई 2 टर्म। 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारी क्या है? 1 2 3 4, यानी फोर्थ टर्म हमारी क्या हो गई? 12। तो मीडियन हमारी क्या आ गई? 12। ये आपका आंसर हो जाएगा,
इसके बाद निकालते हैं हम मॉड। मॉड निकालने के लिए हमने आपको बताया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है, तो मॉड हमारा क्या हो जाएगा 12। तो लिख देंगे 12 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 12 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो मॉड इज 12, मॉड इज 12। तो ये आपका मॉड हो गया। अब निकालना है आपको रेंज, तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभी बताया था आपको मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, सबसे बड़ी वैल्यू 18, तो 18 माइनस सबसे छोटी वैल्यू आपकी 2, तो माइनस 2, आंसर आपका आ जाएगा 16, यानी कि रेंज आपकी क्या आ गई 16। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अभी। तो इसी तरीके से आपको मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज निकालना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और 23, 29, 20, 32, 23, 21, 33 एंड 25। ये नंबर मान लीजिए हमने ले लिए, अब इनका निकालना है हमको मीन और मीडियन निकालना है और मोड भी निकालना है। चलिए अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन एक्स बार, तो सम ऑफ वही आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो निकालेंगे 23 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 33 प्लस 25 बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 से करना हमको इसको डिवाइड। तो इनको सबको प्लस करेंगे हम, प्लस करके हमारा आ गया, चलिए प्लस कर लीजिए 20 और 20 कितने हो गए आपके 40, 60, 60, 60 और 30 आपके कितने हो गए 90, 90 और 20 हो गए आपके 120, 140 और ये आपके 30 कितने हुए 170, 190 हो गए आपके और ये आपके हो गए 538 और 19, 12, 14, 15, 16, 17 और 19, यानी कि ये टोटल हो गया आपका 206/8। तो ये आपका आएगा, डिवाइड कर देंगे 8 2 16 और 8 5 40, 8 5 40 और ये 75, यानी कि मीन आपका हो गया 25.75। अब इसके बाद आपको निकालना है मॉड, अगर मॉड निकालेंगे आप तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी 23 एंड 23 आपका 2 बार आया है, तो मॉड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 23 आंसर। अब निकालना है आपको रेंज, रेंज के लिए हमने बताया था आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें आपकी, मैक्सिमम वैल्यू है इसमें आपकी 33, तो 33 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 20, तो माइनस 20, तो ये आपका आ जाएगा 13 आंसर। अब इसके बाद निकालना है हमको मीडियन,
मीडियन निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो भी नंबर आपको दे रखे हों उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पहले इनको। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले सबसे छोटा यानी कि 20, उसके बाद 21, 23, 25, 25 के बाद 29, 29 के बाद आपका हो गया 23 दो बार है, 23, उसके बाद 25, 29 और ये आपका हो गया 32 एंड 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इक्वल टू आपके हो गए 8, यानी कि इवन। तो अब ये इवन हो गए, तो इवन के लिए हमने मीडियन निकालने के लिए आपको एक अलग फॉर्मूला बताया था, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 n/2 यानी कि 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म, 1/2 ये हो जाएगी आपकी 4th टर्म प्लस ये हो जाएगी आपकी 5th टर्म, 2 से 4 और प्लस 1 5 हो गया, तो 1/2 4th टर्म आपकी क्या है 1, 2, 3, 4 यानी कि ये आपकी हो गई 4th टर्म 23 प्लस 5th टर्म आपकी हो गई 25। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 5/3 8 और 2/2 4, 2 से कैंसिल कर देंगे 24 यानी कि ये आपका आ जाएगा 24 आंसर। तो मीडियन आपका क्या निकल गया है 24। इसी तरीके से आप आगे भी क्वेश्चन करेंगे जो हम आपको होमवर्क में देंगे। तो चलिए अब एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि अगर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, मान लीजिए ये आपके हैं 12, 16, 12, 6, 18, 2 और 4, ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में 2, 4, 6, 12, 12 और 16 एंड 18। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर के बाद हम क्या देखेंगे कि मीडियन निकालना है हमको, तो 1 इधर से 1 इधर, ये गया इधर से भी, यानी कि 3 इधर से और 3 इधर से, बीच में आपका क्या बचा 12, तो 12 इसका क्या हो गया मीडियन। ठीक, अगर यही ऑर्डर हमारे इवन होते, अब ये तो हमारे ऑड थे तो एक नंबर बच गया बीच में, अगर यही नंबर हमारे 20 एक और ले लिया हमने, अब ये हो गए हमारे क्या हो गए इवन। इवन में कैसे निकालेंगे, 3 इधर से कट गए 3 इधर से, बचे बीच में 2, यानी कि इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 24/2 यानी कि 12। तो ये आपका तरीका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का है, सिंपली आराम से इजीली हो जाएगा। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में लिख देते हैं जिनको आप स्वयं करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन आपका फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट
टेन प्राइम नंबर, टेन प्राइम नंबर। थर्ड क्वेश्चन आपका है फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ टेन। थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीन मीडियन ऑफ फर्स्ट टेन इवन नेचुरल नंबर्स। फाइव वाला क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीडियन मोड मीन एंड रेंज ऑफ द डाटा। ये आप डाटा दे रखा है आपको 36, 40, 45, 46, 50, 46, 58, 45, 46 एंड 35। लास्ट क्वेश्चन सिक्स वाला है आपका फाइंड द मीन मीडियन ऑफ फर्स्ट टेन ऑड नंबर। तो ये सिक्स क्वेश्चंस हैं आपके जिनको आपको होमवर्क में करना है। चलिए अगली क्लास में, अगर वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें।